शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह की तरफ से इनाम दिए जाएंगे,
और हठधर्मी करोगे तो इसके नतीजे में ऐसी पकड़ आ सकती है जैसे कि पहली कौमों की आई है। एक वाकया तो हठधर्मी का गुज़श्ता बयान हुआ था कि किसी ने ये कह दिया था फिरौन से कि तेरे ताज व तख्त को पलटने वाला बनी इसराइल का कोई बच्चा होगा, तो तकरीबन 90,000 लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर डाले फिरौन ने। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से इनको मिस्र के जालिमों से और आले फिरौन से नजात देकर समंदर से पार करा दिया। समंदर से पार हो जाने के बाद बाद हजरात की राय तो यह है कि कुछ लोग तो मिस्र में रहे और ज्यादातर लोग वादी तीन में जो मिस्र और शाम के बीच में वाक़े है, 10 मील के रकबे के अंदर है। इसमें 40 सालों तक इनका क़याम रहा और तीह को तीह इसलिए कहते हैं कि तीह के माने हैरानी और परेशानी का अलामा, ये इनके लिए हैरानी और परेशानी का ही इलाका रहा। अब जब सुकून हो गया, इत्मीनान हो गया, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक डिमांड रखी, क्या हमें कोई जाब्ता हयात लाकर दीजिए, कोई कानून शरी लाके दीजिए, कोई किताब लाके दीजिए ताकि हम उस किताब पर और उस शरी जाब्ते पर अपनी जिंदगी गुजारें। वो मजबूत कायदा जो हो वो हमारे लिए जाब्ता बने और हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुला लिया। वैसे भी दूसरी जबान में तूर के माने बुलंद पहाड़ के आते हैं। बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहां नीचे पहाड़ पर जाने से पहले अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जिम्मेदार बनाया इलाके का और उनकी दीनी निगरानी करने का भी उन्हें जिम्मेदार बनाया। चले गए। वहां जाने के बाद यहां बनी इसराइल में चकचक होने लगी। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद एक शख्स था सामिरी, वो पैदा हुआ। ये पहले से शरपसंद था और चाहता था कि मैं कौम का लीडर बन जाऊं। कुछ लोगों को लीडरी का शौक होता है कि मैं किसी तरह बड़ा बन जाऊं, लेकिन बड़ा बनने के लिए कुछ न कुछ कारनामे अंजाम देने पड़ते हैं। तो इसने जितने बनी इसराइली थे उनसे कहा कि जब तुम आले फिरौन के पास से आए तो तुमने उनसे जेवरात मांगे थे कि हम शादी में जा रहे हैं, जेवरात जो है हमें उधार दे दीजिए, पारी हो कर दे देंगे।
और उनकी खवातीन काम करती थी उनके घर में, तो भरोसा करते थे एतमाद के भाई बरसों से काम करते हैं, कहां भाग जाएंगे, जा जाके कहां जाएंगे। तो उनको अपने जेवरात दे दिए। अब सुबह में ये लोग तो समंदर से पार हो गए, जेवरात भी सब लेकर के आ गए, और वो फिरौनी तो गर्क हो गए, तो जेवरात का पूछने वाला भी कोई रहा नहीं, इन्होंने वो सब हड़प कर लिए। सामेरी जो था उसने कहा तुम खाली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और उनके रब के मामले में पड़े हो, मैं तुमको एक चीज देता हूं, मेरे पास ऐसा एक कारनामा है कि जिसको देखकर तुम फाइल हो जाओ। उसने वो सब जेवरात जो है उनको मिलाया और उसको सयाल मादा बनाया। कुछ जानता होगा इस लाइन का काम। और ये जेवरात बड़ी तादाद में थे सोना चांदी के, इनके जरिए से एक बछड़ा बनाया। और ये बछड़ा जो है उसके मुंह के अंदर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सवारी की पैरों के नीचे की जो मिट्टी थी वो मिट्टी उठाकर उसके मुंह में डाल दी। अब ये सामिरी है कौन? जिस जमाने में नवीना बच्चों को कत्ल करता था फिरौन, उस जमाने में एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनको अल्लाह ताला ने फिरौन के महल में पहुंचा दिया और बताया कि कातिलों के बीच में भी मैं जिसकी चाहूं वो हिफाजत कर सकता हूं। 90,000 बच्चों को कत्ल करने वाला फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही ना कर सका, प्यार करने पर मजबूर हो गया। नेहायत हसीन चेहरा और बड़े खूबसूरत थे, और घरवाली ने कहा कि तुम्हारे तो बच्चे होते नहीं, अब ये एक बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर आया है, ये अल्लाह ने गैब से दिया है, लिहाजा इसकी परवरिश की जाओ, खबरदार जो तुमने इसको मारने की कोशिश की। हालांकि वजीरों ने कहा था कि शायद ये बच्चा वो हो सकता है, लेकिन बीवी से लोग दब जाते हैं, अच्छे लोग जो हैं वो बीवी से दब जाते हैं। इस वजह से बीवी की बात मानकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उस जमाने में सामिरी पैदा हुआ था, सामिरी पैदा हुआ तो वालिदैन ने कहा कि ये तो अभी फिरौन के आर्मी के लोग आएंगे और मुखबिर जाके खबर दे देंगे, मुखबिरों की भी कमी नहीं और मुखबिर अपने ही लोग हैं, गैर तो है नहीं, इसलिए अभी आ जाएगा कोई ना कोई इसको कत्ल करने वाला। मां ने कहा कि अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कत्ल करेंगे, कैसे देख सकते हैं अपने, तो एक काम करते हैं, सामने जो पहाड़ है वो पहाड़ में गार है, गार के अंदर ये बच्चे को रख देते हैं और ऊपर से पत्थर लगा देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, फिर ये अपनी मौत मर जाएगा, हम लोग देखेंगे नहीं और हमारा दिल दुखेगा नहीं। तो पहाड़ में ले जाके रख दिया, ऊपर से पत्थर लगाकर सीमेंट लगाकर बंद कर दिया, पैक कर दिया। अब अल्लाह ताला का निजाम देखिए, अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जब एक बंदा और एक बच्चा मरने को रख दिया गया है, हम चाहते हैं उसको हयात दें, मौत और हयात अल्लाह के हाथ में, जिंदगियां और मौत का देना अल्लाह के हाथ में,
जाओ, उसकी खबर की नहीं करो, उसकी हिफाजत करो, उसको बड़ा करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक कोरवे के ऊपर दूध लाते थे, दूसरे के ऊपर शहद लाते थे और दोनों चटाते थे। एक दिन में ये बच्चा इतना बड़ा होता था जितना कि एक साल में बच्चा बड़ा होता है, यहां तक के जवान हो गया। लेकिन बड़े होने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम की परवरिश और तरबियत, उनके उंगलियों से दूध पिया और शहद खाया, लेकिन उसके बावजूद जो है हिदायत नहीं मिली। आलम यह रहा कि कुफ्र और शिर्क की बुनियाद डाली, ये भी अल्लाह का निजाम। और फिरौन के यहां जो पहले नंबर का मुशरिक था और बल्कि खुदाई का दावेदार था, उसके यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला तो उन्होंने तौहीद का सबक दुनिया को पढ़ाया। पले थे कुफ्र में और दावत तौहीद की दी, और वो मुवाहिद की गोद में पला और शिर्क की दावत दी। कौन क्या काम करेगा सब अल्लाह को मालूम है। अब वो चूंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके पास आते रहे थे तो वो वाकिफ था उनकी शख्सियत, इसलिए उनकी टापों के नीचे की मिट्टी में क्या तासीर है ये मालूम है। जैसे हजरत खजर जिसको हम लोग खिजर कहते हैं, मसाइल में जब आ जाते हैं हम लोग तो हमारी कुछ बूढ़ियां जो है वो कहती हैं कि नदी में ख्वाजा खिजर की नाव छोड़ो, ये नाव जो है किनारे लगेगी तो तुम्हारा बेड़ा भी खुदा पार कर देगा। लेकिन मैंने देखा किनारे पर बच्चे ख्वाजा खिजर की नाव को पार नहीं होने देते। उसमें जितना खाने का सामान डाला वो चट कर जाते और तोड़ ताड़ के कश्ती फेंक देते। वो इंतजार करते थे कि कब ये नाव छोड़ के जाए और कब इनमें से खीर हम खा जाए। तो हजरत खिजर के बारे में ये ख्याल है कि वो समंदरों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं। ख्वाजा खिजर हैं कौन? उलमा ने लिखा कि रिजाले गैब में से हैं। और काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि असल तो अमवात में है, लेकिन अपने पास तकवीनी काम अल्लाह ताला जब उनसे लेना चाहते हैं तो उनको हयात देते हैं। मुख्तलिफ जमानों में उनको देखा गया है और उनका वजूद रहा है। खजीर जो है वो हरियाली और सब्जी को कहते हैं। एक हदीस शरीफ में है, इन्नत दुनिया हुलवतुन खजीरतुन, ये दुनिया जो है वो मीठी भी है और सरसब्ज भी है, और अल्लाह ताला इसमें तुम्हें आजमाना चाहते हैं। तो दो चीजें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, हलवतुन के माना मीठा, मीठे से आदमी को फितरी तौर पर लगाव होता है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन वो मीठे से उसको एक ताल्लुक और मोहब्बत होती है, और सरकार को मीठा पसंद है। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل رواه البخاري। حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور امام مسلم نے بھی روایت بیان کی ہے
सरकार मीठी चीज पसंद फरमा दे और शहद भी पसंद फरमा दे। शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। सरकार ने फरमाया कि तीन चीजों में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। ये हसर नहीं है लेकिन एक मौके पर तीन चीजों का खास तज़किरा फरमाया। तीन चीजों में अल्लाह ताला ने शिफा रखी। उसमें पहली चीज शरबत असलिम, शहद के शरबत के अंदर भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। शहद जो है मिजाज के एतबार से गर्म भी है खुश्क भी है। इस बिना पर फोड़े कुंसी वगैरह उस पर शहद लगाने से वो फट जाएगा, जल्दी जख्म भर जाएगा। इसलिए जिनकी हड्डियां टूट जाते हैं उनको चूना और शहद का लेप लगाते हैं, क्योंकि शहद से हड्डियों को फायदा होता है, वो जल्दी जुड़ जाती हैं। शहद में बहुत सी बीमारियों की दवा है लेकिन उसको हिसाब से पिया जाए। एक साहब ने ये पढ़ लिया था, वो एक किलो शहद लाए और आप देखा न था, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम तीन दिन में वो एक किलो शहद खत्म कर दिया। अब कोड़े जी का लाया उनको, क्योंकि गर्म मिजाज है शहद। हकीम के पास गए, हकीम ने इलाज किया उनको, पूछा तुमने क्या खाया है ऐसा कि इतनी गर्मी निकल आई, थोड़े हो गए। फरमाया कि मैंने शहद पिया है। शहद में तो ऐसी कोई बात है नहीं। कितना शहद पिया? कहा एक किलो। कितने दिन में पिया? कहा तीन दिन में। हकीम का यह समझ में नहीं आई, जबकि कुरान शरीफ में है कि फी शिफा लिन्नास, लोगों के लिए शिफा है इसके अंदर, तो फिर मुझे ये सब फोड़े क्यों हो गए? तो हकीम साहब ने कहा कि शिफा लिल भैंस नहीं कहा है, शिफा लिन्नास कहा है। तो इंसानों की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक बात तो ये फरमाई कि शरबत असलिम, हमारे हजरत मौलाना सैयद असाद मदनी रहमहुल्लाह तआला शुगर के मरीज थे, लेकिन वो सुबह में रोजाना एक बड़ा चम्मच भरकर शहद पीते। लोगों ने कहा हजरत शहद में बहुत शुगर होता है, अगर किसने कहा? तो कहा डॉक्टर कहते हैं। तो कहा तेरा डॉक्टर इसमें बीमारी और शुगर बताता है, मेरा डॉक्टर इसमें शिफा बताता है। आपका डॉक्टर कौन है? फरमाया अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फी शिफा लिन्नास, लोगों के लिए शिफा रखी अल्लाह। तो तीन चीजों में शिफा है, उनमें से एक है शरबत असलिम, दूसरा है शोर का तो मेह जमीन, पचना लगाना मुख्तलिफ बीमारियों में। फासिक खून को निकालने के लिए हजामा, जिसको कपिंग कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो रखा जाता लगाया जाता है। ये अंग्रेजी मुल्कों में भी कपिंग करते हैं, लेकिन एक मरतबा कपिंग का $200 लेते हैं, काफी महंगा है। इसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी। सरकार ने मुख्तलिफ मौकों पर पचना लगवाया है। नंबर तीन, लुजबतुन औकैयतुन मिनन्नास, आंख के जरिए से दाग लगाना, जैसे मौजूदा जमाने में तरह तरह के काट कूट और ऑपरेशन करते हैं। हुजूर ने ये तीसरे इलाज को, अगर से इसमें कोई और रास्ता न रहे तो इससे इलाज करने को शिफा फरमाया है। जैसे हमारे यहां जिसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है उसको शॉट देते हैं, ये आंख देना हुआ।
उसके जरिए से इलाज करते हैं। इसका दिमाग खराब होता है उसके बारे में कहते हैं कि इसको मरोली के अस्पताल में दाखिल किया जाए और इसको शॉट लगाया जाए, तो इस तरह से भी इलाज करते हैं। खैर, तो मीठी चीज पसंदीदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाई है एक हद तक, और लिमिट के साथ खाई जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो मीठी चीज से इंसान को फितरी तौर पर मुनासबत है। और दूसरी चीज खजिर, हरियालापन, ग्रीनरी जो होती है, तो आदमी वहां जाना पसंद करता है। लोग गार्डन में जाते हैं, घूमने की जगहों में जहां ग्रीनरी ज्यादा हो वहां घूमना पसंद करते हैं, फितरत है इंसान की। तो हजरत खजीर को खजीर इसलिए कहते हैं कि वो जहां बैठ जाते हैं और वहां से उठते हैं तो सब्जा पैदा हो जाता है, वहां हरियाली पैदा हो जाती है। जैसे कि हम हरियाली पे बैठे हैं और बैठे हैं और तो खुशी पैदा हो जाती है। तो हजरत खिजर का ये खूबी और ये कमाल है कि वो जहां तशरीफ फरमा होते हैं और वहां से उठते हैं तो वहां घास और सब्जा फौरी तौर पर, इसलिए खजीर कहा। खैर, तो मैं आज कर रहा था, ये अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब और गरीब है, जिससे जिस तरह से काम लेना चाहते हैं लेते हैं। अब इसने जो देखा था उसके एतबार से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के टापों वाली मिट्टी डाल दी बछड़े के मुंह में और बछड़ा आ गया हरकत में, और जिस्म ने तो हरकत नहीं की उसके, लेकिन उसके मुंह में से आवाज शुरू हो गई। लोग बहुत मुतासिर हो गए कि ये तो बोल रहा है, लेकिन इसके बोलने से खुदाई थोड़ी आती। लेकिन लोग फौरन कायल हो गए। कहते हैं लोग चमत्कार के सामने नमस्कार शुरू कर देते हैं। अब समझाया, सामिरी ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाली इतनी दूर गए, देखो ये इबादत करनी, तुम तो इबादत के लिए उनको भेजे, वहां की इबादतों पे तरीके तुम्हारे लिए लिए हैं, इसकी इबादत किया करो, ये भौंभो करेगा तुम इसके सामने सज्दे करते रहो। तो भाई इससे क्या होगा, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनको यह अच्छा लगा, उन्होंने बछड़े के फेरे फिरना शुरू किया और उसके सामने दंडोड़ शुरू कर दिया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एहतिकाफ बढ़ गया, 30 दिन रोजों के साथ एहतिकाफ किया था, अल्लाह ने मियाद को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया, उसकी भी तफसील है। 40 दिन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हक ताला शानहु ने 10 कमांडमेंट्स वाली किताब दी, 10 अहकामी जाब्ते और उसूल जो हैं वो जबरजस्त की तख्तियों के अंदर शानदार तरीके से लिखे हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए। अब पहाड़ पर से उतरे हैं, इतनी सब तख्तियां सीने से लगाए हुए हैं, वजनी हैं और लेके उतरे, और जब नीचे आए तो नीचे का मंजर कुछ और देखा कि कुछ लोग जो है वो भैंसे के पास बैठे हैं और जो भजन कीर्तन में लगे हैं। घर गए, अपने भाई हजरत हारून से कहा कि ये क्या चीज हो रही है, क्या ये बछड़ा परस्ती कर रहे हैं, इन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, अल्लाह को माबूद बनाना छोड़ दिया, और आप गए थे कि इनको अल्लाह का बंदा बनाइए, बछड़ों के बंदे बन गए। हिदायत भी अल्लाह की तरफ से होती है, तो सच्चे तालिबीन ही अल्लाह ताला की सच्ची रहनुमाई करते, जो ढीले होते हैं वो छोड़ दिए जाते।
गंगा में गए तो गंगा राम बन गए, जमुना में गए तो जमुना राम बन गए, ये ऐसा नहीं। जाहिदा तस्बीह में जुन्नार का डोरा न डाल, या मुसलमान की तरफ हो या ब्राह्मण की तरफ, अपने आप को एक दीन के ऊपर, एक तरीके के ऊपर रखना, हमेशा जमे रहना। हमारे मशायख और हमारे असलाफ का ये तरीका और उनकी जिंदगी देखो, जब से उन्होंने होश संभाला, वफात हुई, वहां तक एक अकीदा, एक दीन, एक तरीका, एक नहज पर अपने आप को उठा लिया। जब आपने एक चीज को सच समझ लिया है तो फिर उधर उधर जाने की जरूरत क्या है, और दूसरी चीजों से मुतासिर होने की जरूरत क्या है। अब ये ऐसे एरे खेरे और नथु खेरे जो हैं, वो मुख्तलिफ आते ही रहेंगे और अपने अपने शोबते और अपने अपने करिश्मे दिखाते रहेंगे, लेकिन इनकी बातों में ना आना। जो लोग अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलते हैं, जिनके सामने शरीयत मुकद्दसा के जाब्ते होते हैं, वो ऐसे शोबदाबाजियों में नहीं आते। वो जमे हुए अकीदे के जमाव की मेहनत क्यों की है सरकार ने, इसीलिए कि ऐसे हालात आए, दज्जाल से क्यों आगाह किया, तो बहुत बड़ा शोबदेबाज होगा। कहीं तुम अपना ईमान न खो बैठो, इसलिए पूरी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, ताकि उसके आने पर पहले से अलामतें मालूम हो, तो अलामतों के मालूम होने से पता चल जाए कि ये दज्जाल है और हमें दीन पर जमे रहना ये गलत है, चाहे कितने भी शोबदे देना। इसलिए राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा ने बहुत अच्छी बात कही। वो क्या फरमाती हैं कि अगर कोई समंदर पर चलना शुरू कर दे तो वो खसर बाशद, खसो हाशा और कचरा पानी के ऊपर तैरता ही रहता है। तो अगर कोई पानी के ऊपर चलना शुरू करे तो कचरे की हैसियत होगी उसकी, कचरा भी चलता है पानी पर, कमाल नहीं हो। और अगर कोई हवा में उड़ता है, हवा में मक्खियां भी उड़ती हैं, मक्खियों के बराबर हो गए। तो अगर दीन नहीं है, सुन्नतें नहीं है जिंदगी में, अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकाम नहीं है, तो हवा में उड़ना और समंदर पे चलना इसका कोई एतबार नहीं है। इसलिए फरमाया कि खसे बाशत या मगसे बाशत, इसके बजाय आदमी को अल्लाह वाले के पास बैठकर कुछ काम का बनना चाहिए, कसे बाशत, ताकि कुछ काम का बन जाए। तो असल चीज जो है वो अहलुल्लाह की इस्तेकामत होती है। वो कैसे जमे हुए होते हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में है कि 10 साल के बाद एक मुरीद जाने लगा। भाई कहां जा रहे हो, उसने कहा आपके यहां तो कुछ देखा नहीं, इस बिना पर जा रहा हूं। अच्छा आप क्या देखना चाहते थे, तो कहा सुना है कि बुजुर्गों के यहां करामतें जाहिर होती हैं, आपके यहां तो कोई करामत जाहिर होते हुए मैंने देखी नहीं। जाहिर ही बात है कि मैं तो आया था कि कुछ करामतें देखकर आपका कायल हो जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अचानक कुछ देख लेते हैं तो एकदम कायल हो जाते हैं, फिर अगर कुछ जरा सी गड़बड़ देख लेते हैं तो इतने ही बदजन हो जाते हैं। तारीफ करने पर आए थे कि बहु हारा बहु हारा, और बिगड़ने पर आए थे मारा मार। यकदरगीर मक्कमगीर, जब किसी को मान लिया कि भाई इनको हमने मुक्तदा माना, तो मुक्तदा मानने से पहले शराइत बयान की हैं कि किसी को मुक्तदा मानो तो इसकी खलबत और जलबत पर इत्मीनान हो जाए, फिर उसको मानो ना, वरना ये डामाडोल, अब माना तब माना, कल माना आज नहीं माना, सुबह कुछ शाम कुछ, इससे कुछ फायदा नहीं होता, इससे कुछ फैज नहीं मिलता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, 10 साल तुम रहे, तुमने कोई खिलाफ सुन्नत काम देखा?
ये हजरत अजीब बात रही कि सुन्नत के खिलाफ कोई बात नहीं रही। फरमा सबसे बड़ी करामत तो जिंदगी में और इंसान के लिए और मोमिन के लिए यह है कि वो दीन पर इस्तेकामत के साथ जमा हुआ हो और शरीयत पर मुकम्मल जो है उसकी इत्तेबा हो और पैरवी हो और उसके पीछे वो चल रहा हो। ये दीन है, ये सबसे बड़ी करामत। अल इस्तेकामत और फौकल करामत, दीन पर जमे रहना और एक ही नहज पर अपने आप को रखना, ये सब करामतों से बड़ी करामत है। वरना अल्लाह वाले करामतों के पीछे नहीं रहते। इतने अब्दुल्ला ऐसे रहे, कोई करामत जाहिर नहीं हुई, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल रहे। वजह उनकी इत्तेबाए सुन्नत और उनकी दीन के ऊपर इस्तेकामत रही। तो हजरत हारून पर गुस्से हुए कि मैं गया, तुमने इनको रोका नहीं, पर मैं हमें अकेला कैसे रोकता, ये पूरी जमीयत एक तरफ हो गई। बल्कि मैं समझाने गया तो मुझे मार डालने की उन्होंने धमकी दे दी, तो मैं रूपोश हो गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए घर में रूपोश हो गया। उन्होंने कहा तू बाहर निकलेगा, तो सामिरी ने कहा इसको कत्ल कर डालो। जबकि दीन और दीनी अहकाम पर चलाने का जिम्मेदार बनाकर गए थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनको इतना मजबूर कर दिया कि रूपोश हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आ गया इनकी शिर्क और बुतपरस्ती पर कि मुवहिद हूं और तौहीद का दाई हूं और मेरी आंखों के सामने इन्होंने मुझे तौहीद के अहकाम लेने के लिए भेजा और खुद यहां बैठकर बुतपरस्ती में मुब्तला हो गए। ये भी भूल गए कि कितने मौजज़ात ये मेरे हक्कानियत और सदाकत के देख चुके हैं, फिर इन्होंने ऐसा किया। ऐसी हटतरम कौन है ये यहूदी, ऐसे बदतैनत हैं ये लोग। तख्तियां बहुत जोर से रखी, क्रैक हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा है, भाई पर इतना गुस्सा है कि दाढ़ी पकड़कर घर से बाहर खींच कर लाए। रिक्वेस्ट किया कि पहले ही उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी थी और आप आए और आप जो है दाढ़ी पकड़कर मुझे घर से बाहर लाकर रुस्वा कर रहे हैं, सब दुश्मनों के सामने मेरी मजाक हो जाएगी, हंसी हसारत हो जाएगी, मत कीजिए ऐसा। मैं मजबूर था, मैं बहुत ज्यादा बेबस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको रोका, ये नहीं माने तो मैं क्या कर सकता था अकेला, ये पूरी जमीयत 6.5 लाख की, इनके मुकाबले में मैं क्या करता। लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हजरत हारून की बात को माना था, उन्होंने बुत परस्ती और पछड़ा परस्ती नहीं की थी और बहुत से लोगों को रोका भी था जो रिश्तेदार जा रहे थे कि मत जाओ वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क्या होगा तुम्हारा। लेकिन अपने आकिबत से और अपने अंजाम से बिल्कुल बेनियाज होकर वो ये गलत काम के अंदर शैतान ने उनको लगा दिया। अब आगे इसका अंजाम क्या हुआ, कुरान करीम ने वो अंजाम जो है वो यहां पर जिक्र फरमाया है और उसको कहा कि ये भी गनीमत समझो कि ये अंजाम आया, वरना अंजाम तो ये होना चाहिए कि पूरी कौम के ऊपर बिजली गिराकर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद के नाफरमानों को अल्लाह बाकी नहीं रखते। जो नबी के होते हुए नबी के मौजज़ात देखने के बाद, नबी को दरखास्त तौहीद करने के बाद कि जान और तौहीद के अहकाम लाओ और अहकाम ला के हमको दो कि हमारी जिंदगी हमारी नहज पर आ जाए, सही तरीके पर आ जाए, ऐसे वक्त में और ऐसी कौम वो बस नबी की पुष्ट होते ही अपने अकीदे से घूम जाए, ऐसी हड़धड़ंग कौम की अंजाम बड़े खतरनाक अल्लाह के यहां होते हैं। लेकिन चूंकि अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, इसलिए अल्लाह ने मामले को हल्का कर लिया और ये 6.5 लाख में से जिन्होंने ये गुनाह का इर्तिकाब किया था उनको सजा मिली। वो सजा का आइंदा जो है वो तस्करा हो। हमारे एक मुक्तदी थे, जुनूब अफ्रीका में रहते थे और वो अक्सर यहाँ तशरीफ लाते थे और हमारे यहाँ तफसीर में भी जब यहाँ मौजूद रहते थे तो तफसीर में भी तशरीफ लाते थे। हाफिज अब्दुल रशीद मलिक साहब, ये
अचानक जो है यहाँ से तशरीफ ले गए, अभी चंद हफ्ते पहले तशरीफ लाए थे, हमारी इस मस्जिद में एक अरसा दराज तक उन्होंने तरावी भी सुनाई और मेरे वालिद साहब की मौजूदगी में सुनाई, और वो यहाँ से अफ्रीका गए, 5 घंटे के अंदर बीमार होकर दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला मरहूम की बेइंतहा मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला और बाला मकाम अता फरमाए, और किसी खातून का ऑपरेशन है उनके लिए दुआ फरमाए, शिफा अता फरमाए, किसी और खातून का ऑपरेशन है उनके लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला शिफाए कामिला नसीब फरमाए। हमारे मौलाना हसन और हुसैन के नाना जान, उनका आज इंतकाल हो गया, जुमा का मुबारक दिन मिला, कोई 85 साल की उम्र थी और सुबह सुबह उठे थे और अचानक तबीयत खराब हुई और दुनिया से तशरीफ ले गए, तो उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला बे इंतहा तमाम की मरहूमी की मगफिरत फरमाए और जन्नत में आला और बाला मकामात अल्लाह ताला जो है वो नसीब फरमाए, और पसमानदगान रिश्तेदारान जितने हैं अल्लाह ताला उन तमाम को सब्र जमील और उस पर अजर जजील नसीब फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के और फजल के फैसले फरमा, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मगफिरत फरमा, अपनी रजाए दाइमी अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, मकरूज हैं गैब से कर्जों के पूरा होने की सबील पैदा फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझने दूर फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर दुनिया से जाने वालों की मगफिरत फरमा, जिनके ऑपरेशन हैं मुख्तलिफ चीजों के, अल्लाह उन तमाम ऑपरेशनों को कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह जो कानूनी चाराजुइयों में मुबतला हैं, अल्लाह बाइज्जत उनकी रिहाई की शक्लें पैदा फरमा। और ऐ इलाहुल आलमीन कुछ लोग बीमार हैं जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, अल्लाह तमाम की जो जो बीमारियां हों तमाम से शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा। जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रख, जब वक्त आके वो कलमे वाली मौत अता फरमा। ए अल्लाह पूरे मजमे की मगफिरत फरमा, दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फैल मंजूर फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान ये है कि अक्सर और बेशतर मगरिब के बाद साथी तशरीफ लाते हैं और खाना होता है, तो खाने के बाद का वक्त जाय ना करें, इसलिए कि आप तशरीफ लाते हैं इस्लाम की गर्ज से, इसलिए जब खाने से फारिग हो जाए मगरिब के बाद जल्दी, तो फौरी तौर पर मस्जिद की आबादी की फिक्र करें, और वो ये है कि अपने जिक्र में और अपनी तिलावत में लग जाए, एक माहौल पैदा करें, एक अच्छा माहौल मस्जिद के अंदर पैदा हो जाए अल्लाह अल्लाह वाला, और आपके आने का मकसद जो है वो भी हल हो। इसलिए ईशा तक तो खूब जो है इस इबादत में, दुआओं में, तिलावत में, जिक्र अजकार में जो है वो लगे रहे। दूसरी बात यह है कि बच्चों के लिए मैंने अर्ज किया है कि मुरक्कबा वगैरह के अंदर बच्चों की जरूरत नहीं होती, वो बड़ों का काम है, उनको जरूरत है इसकी कि वो तशरीफ लाएं और फायदा उठाएं, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे आते हैं हम मना तो नहीं करते कि ना आए, लेकिन जो बड़े हैं उनको संभाले के बीच में खामखा चीख पुकार ना करें, वो जो हालत कैफियत है वो तो जिनको अल्लाह ताला नवाजते हैं और वज्द की कैफियत जिन पर तारी होती है वो होती है, इसलिए ये बच्चे बीच में खामखा के लिए शोर बकोर जो मचाते हैं तो इनको रोका जाए और इनको कंट्रोल किया जाए, और बाकी हजरात पूरी तवज्जो के साथ इनाबत के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, रुजू इलल्लाह करें, यही असल में मुरासबे का मकसद है कि अल्लाह का ध्यान जो है वो नसीब हो जाए।
जिक्र करने का तरीका बताया गया है, नाफ से दिमाग की तरफ सर को उठाना, ला में इलाहा में दाएं कंधे की तरफ ले जाना, इल्लल्लाह में उल्टे हाथ की तरफ सीने से दो उंगल नीचे दिल है वहां ज़र्ब लगाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से जिक्र का सिलसिला शुरू होगा। और रोजाना 200 मरतबा जिन हजरात को इजाजत है जहरी जिक्र की वो इस तरह से करेंगे। जिक्र ऐसी जगह करना चाहिए जिससे दूसरों को डिस्टर्ब और तकलीफ ना हो। और दूसरा इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये 200 मरतबा 24 घंटे में, जरूरी नहीं है कि एक ही दफा में तमाम कर लिया जाए। अगर किसी ने वक्त पाया और उसने सब अज़कार एक ही मरतबा में कर लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर वक्त ना मिले तो थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन बैठकर और तवज्जो के साथ। कभी चलते फिरते आदमी जिक्र करता है, मना तो नहीं है, लेकिन इसमें तवज्जो नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता। जिक्र जो है पूरे ध्यान से करना चाहिए, इसके माना पर गौर करके, अल्लाह की अजमतों का इस्तेहज़ार करके ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। फिर तीसरी चीज, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा करम और एहसान सरकार का है तो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, कार्ड के अंदर दुरूद पाक आसान लिखे भी हैं तो वो दुरूद पढ़ें 24 घंटे में 200 मरतबा। तिलावत कुरान करीम जो है वो पाव पारा गैर हाफिज और हाफिज जो है वो एक पारा कम से कम रोजाना पाबंदी के साथ पढ़ें, और मुराकबा पूरी पाबंदी के साथ किया जाए। और ये मुराकबा जो है अल्लाह के ध्यान और अल्लाह की रहमत के इंतजार में बैठने का नाम है। इसका नतीजा गुनाहों से बचाव की शक्ल में होगा और इसी तरह से नेकियों की तरफ रुझान होगा। रुजू इल्लाह के लिए ये अहम है, लेकिन इसका फायदा पाबंदी से किया जाए तो जाहिर होता है। एक दिन किया 10 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन किया 10 दिन छोड़ दिया। डॉक्टर अगर दवाई देता है तो वो ये कहता है कि पाबंदी से इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसका फायदा होता है। एक दिन दवा पी लें आप तो 5 दिन छोड़ें और 6ठे दिन दवाई पिए तो बीमारी का इजाला नहीं हो सकता है। शाफी तो अल्लाह है, लेकिन असबाब के तौर पर अगर दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फिर यह सूरत हाल इख्तियार करनी पड़ती। तो अब से थोड़ी देर तक इंशाल्लाह अल्लाह का जिक्र करें। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, तुझसे फकत मुझको मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, होश रहना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं, हर दम जिक्रो फिक्र मेरे मस्त रहूं सरशार रहूं, अब तो बस ताद में आतिर विरदे जुबा है मेरे Yeah.
सुनो मैं नाम तेरा
मालू आंख अपनी मां सिवा से जियो मैं तेरी खातिर दिल बदल दे करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां तू अपना गम माता कर दिल बदल दे पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शकस्ता रहूं क्यों दिल शकस्ता दिल बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला बना दे अपना बंदा दिल बदल दे जब मुराकबा कर रहे हो तो ये बात सोचनी चाहिए कि आज कहाँ गया तो मैंने अपनी आंखों को बंद किया और एक दिन वो आएगा जब आंखों पर जिस्म पर मेरा इख्तियार खत्म हो जाएगा कभी अंधेरा हो तो खबर की तन्हाई और अंधेरों को सोचो لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اللهم احفظنا بالإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قاعدا اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى عارة وذنب وخطيئة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا
حسبنا الله لمن طغى علينا حسبنا الله لمن قادنا بالسوء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اللہ ہمیں شریعت کا تابع دار بنا دے اللہ فرما بردار بنا دے اللہ تیرے احکام پر پوری طرح عامل بنا دے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے اللہ دل کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر نازل بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کریم کا شہدائی بنا دے اللہ اپنے دھیان والی زندگی نصیب فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا پیار اور محبت عطا فرما اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف اے اللہ نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرما دے ہمارے جرائم کو درگزر فرما اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں تیرے فضل کے بغیر اللہ باہر آ نہیں سکتے اللہ کرم کی بھی دے دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما دے اے اللہ ہماری گناہوں پر اپو درگزر کی قلم چلا دے ہماری خطایا سیاحت کو اللہ حسنات سے مبدل فرما دے اللہ نیکیوں کا عشق پیدا فرما دے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و محبت عطا فرما دے اللہ کی رضا دائمی عطا فرما دے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جانا میں اپنا بندہ بنا دے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا آنا جس نسبت سے ہوا ہے اللہ نسبت سے کامیابی عطا فرما دے اللہ دلوں کو ذاکر بنا دے دلوں کو جاری فرما دے سلسلے کے فیوز اور برکات سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اللہ سلسلے کے فیوز اور برکات سے ہر ایک کو نواز دے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے مشائخ کے فیوز اور برکات عطا فرما اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما اے اللہ پورے مجمعے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھیلنا ضرور فرما رحمتک یا ارحم الراحمین